हे सुहाय, गुड मॉर्निंग। और आज है पंजाब टू कन्याकुमारी का डे 72 और मैं हूँ अभी देगलूर में। और आज देगलूर से जाना है कौन सी जगह पे? बद्दूर, पिटलम पिटलम का पिटलम। और आज का जो मेरा डेस्टिनेशन सेट करना पड़ेगा मेरे को 56 किलोमीटर इन वन डे। आई होप आई विल बी विजिट देयर। तो रेडी हो गया गाड़ी पे चल के, मतलब तो भाई मैं अभी आ गया तेलंगाना के बॉर्डर पे। तकरीबन 2 किलोमीटर चलने हैं, तेलंगाना का बॉर्डर आ गया। और ये भाई जी हैं अभी जा रहे हैं मेरे को आगे तक छोड़ने के लिए। तो भैया आगे भी हैं पीछे, मतलब सच में कह रहा हूँ, देगलूर में काफ़ी मज़ा आया भाई, काफ़ी मज़ा आ गया। और अब तो कैप लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बाल बड़े हो गए। और ये सामने है, सामने चेक पोस्ट है 150 मीटर पे बस। तो अब यहाँ से भाई बॉर्डर लग गया तेलंगाना का, तेलंगाना बॉर्डर स्टार्ट, महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र ख़त्म हो गया अब। चलो आज से एक नई वाइब के अंदर ज़िंदगी जी जाएगी भाई तेलंगाना में। पहले अरे एक और बात यार, मतलब वर्ड्स की ना चेंजिंग होता रहा हमेशा। पंजाब में निकला था धीरे धीरे धीरे, आगे आया भाई, थोड़ा और आ गया राजस्थान में भाई जी, मध्य प्रदेश में भैया, थोड़ा सा और महाराष्ट्र में दादा। अरे एक नया वर्ड चेंज होने वाला है, अन्ना। अभी आगे अन्ना अन्ना अब अन्ना तक पहुंच गए भाई काफ़ी काफ़ी मेहनत लग गया इसके लिए, काफ़ी टाइम भी लग गया। तो आपसे वर्डिंग चेंज अन्ना। ये है सामने, देखो ये है चेक पोस्ट बस। आज से तेलंगाना स्टार्ट भाई, सपने दिखने स्टार्ट हो गए यहाँ पर सारा बोर्ड लगा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा क्योंकि सूरज बिल्कुल सामने है। कन्याकुमारी 1445 किलोमीटर, चेन्नई 884, तिरुपति 770, बेंगलुरु 764, हैदराबाद 186। 186 किलोमीटर अगर मैं चला जाऊँगा तो हैदराबाद है। 186 किलोमीटर मतलब कि 3 से 4 दिन, 4-5 दिन, 5 दिनों में हैदराबाद। और इसके बाद बेंगलुरु, मज़ा आने वाला है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना सारा प्यार देने के लिए जनाब। आप बेंगलोर से जा रहे हैं? हाँ, चेन्नई से दूसरी तरफ लगेंगे बाद में। लगे होता ही है ना कि हम सेल्फ मोटिवेट जो होता है ना, हम उस समय खो देते हैं वो जो क्रिएशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये बोल रहे कि भगवान की इच्छा है कि आप हाँ। चाहे और वो कर्म करे। जी जी, भगवान पत्थर में नहीं है, भगवान मनुष्य में है। हाँ, ये उन्होंने बोल रहा है। ठीक है भाई, तेलंगाना के पहले गांव में आ गया मदनूर। चलिए 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 चलिए, काफी दूर तक जाना है यार। और ये भाई लोग मुझे 7 किलोमीटर तक छोड़ने के लिए आ गए, 7 किलोमीटर इस गांव में। बोले कि नाश्ता करेंगे और फिर यहां से निकलेंगे। लेट हो रहा हूँ मैं, बट फिर इन लोगों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। दादा कुछ कहना चाहते थे आपका ये? अब अच्छा कुछ नहीं होता, इससे सब क्लियर आएगा। तो भैया कुछ बोलना चाहते हैं तो सुनिएगा भाई, थोड़ा ध्यान दें। अभी आता पर्यंत हमने शुरुआत के लिए हमसे दीपक सिंह राजपूत त्यांच्यासोबत फिरायला मला पण मजा आली चालत जायला। त्यांनी पंजाबहून सुरुवात केली आहे भटिंडा इथून, भटिंडाहून ते निघून हरियाणा, परत राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र करत ते आता आमच्या महाराष्ट्रामध्ये आले होते। महाराष्ट्राला आम्ही आज सांगता दिले त्यांना, ते तेलंगणामध्ये जात आहेत। तर त्यांना महाराष्ट्रामध्ये मुक्ताईनगरपासून ते महाराष्ट्रामध्ये सुरुवात केली आणि आत्तापर्यंत जवळपास 1900 किलोमीटरची त्यांनी प्रवास केलेला आहे, पायी प्रवास। आणि या प्रवासामध्ये त्यांना आत्तापर्यंत कोणतीच अडचण आली नाही आणि इथून पुढेसुद्धा त्यांना अडचण येणार नाही। मुक्ताईनगर, परत खामगाव, शेगाव, वाशिम, हिंगोली, नांदेड, नायगाव, देगलूर, आम्ही देगलूरहून त्यांना बदनोरपर्यंत पायी चालत सोडण्यासाठी निघालो।
आता आम्ही मदनूरच्या जवळ आहेत 1 किलोमीटर दूरपर्यंत. आणि आम्हाला एवढंच सांगायचं की कोरोनाच्या संदर्भामध्ये जे पहिली आणि दुसरी लाट होती त्या लाटेमध्ये जे त्रास झाला आहे, बी पी शुगर असो असे काही त्रास होते लोकांना, ते त्रास कशामुळे झालं तर ते त्रास होतं फक्त त्यांचं चालणं कमी होतं, आळशीपणा. ते आळशीपणा दूर काढण्यासाठी म्हणून ते चालायचं सगळ्यांना एक मोटिवेशन त्यांनी एक प्रेरणा द्यायला की तुम्ही चाला, कंटिन्यू तुम्ही चालत राहा, रोज 5 ते 10 किलोमीटर तुम्ही पायी प्रवास करा. तर ह्या संदर्भामध्ये ते जनजागृती करत जवळपास भटिंडाहून कन्याकुमारीपर्यंतची पायीयात्रा एकटे पायीयात्रा करीत आहेत. ह्या पायीयात्रेला आमच्या देगलूरवासियांकडून आणि पूर्ण महाराष्ट्राकडून त्यांना शुभेच्छा आणि त्यांचा पुढचा प्रवास सुखाचा व आनंदाचा जाओ. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी भाई ने, वर्ड्स बहुत बड़े थे, समझ नहीं आया बट अच्छा नहीं, था. नहीं नहीं, बड़ी बात कुछ नहीं का, वो रियलिटी है. आपने जो अचीवमेंट की है वही बात की है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू सो मच. ना अच्छा गाड़ी के ऊपर चला काम, गाड़ी धुल का के बड़ी वाली है. तो अभी मैं स्टार्ट हो गया तेलंगाना, तेलंगाना में एक सर के साथ. धन्यवाद सर. शंकर पटेल, साथ साथ में चल रहे हैं, कितना मजा आ रहा है. सर कह रहा है कि भाई मैं तो गाड़ी से नीचे उतरता भी नहीं हूँ. चलिए मेरा वो अहो भागे क्या, आप हमारे साथ चल रहे हैं जरा. और अब सब कुछ यहाँ पे तेलुगु में लिखा होगा ना, सारा तेलुगु है इंग्लिश में. हिंदी खत्म, हिंदी बाय बाय, तेलुगु स्टार्ट. तो भाई मैं अभी आ गया था मदनूर, कौन सा मदनूर ना, मैं तेलंगाना. अभी मैं मदनूर तेलंगाना में एंट्री कर गया था और आप लोगों को बता ही दिया. और अभी मैं हूँ भाई साहब के साथ, अजय जी. लिटरली कह रहा हूँ मैं, मुझे कोई भरोसा ही नहीं था कि मैं आपसे मिलूंगा जनाब. मैंने आपका नाम सुना था हिंगोली से पहले, हिंगोली से पहले जिस एक इंसान का नाम सुना था. लोग कहते थे कि भाई इन्होंने जितने भी बड़े पॉलिटिक्स हैं सबके साथ मिल चुके हैं और एक पत्र डाल डाले हैं. लिटरली मिल गया. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. भटिंडा से आए वाले हैं भैया दीपक, भैया दीपक सिंह जी. आज उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. जनरली किसी से मिलना होता है हमको तो हम उनके पास जाते हैं, जैसे ट्रेन या बस या बाई प्लेन. लेकिन आज हमारे द्वार पर आए दीपक भैया, तो आज उनका स्वागत करने का या उनका जो है जैसे अतिथि देव बहुत है, आज वो मुझे रियलाइज हुआ है कि कैसे होता है करके. सो दीपक भाई का धन्यवाद. अरे धन्यवाद आपका. धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. अभी भाई इडली वड़ा खाया हुआ है. साउथ में एंट्री होते ही ना मतलब साउथ की वाइब स्टार्ट हो गई है. एनीवे तो चलिए ठीक है जनाब, धन्यवाद आप सबका और निकलते हैं अब. मेरे को एक अन्ना मिले हैं और ये मन मन कौन सा जगह है, मेनू 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 से आगे आगे ना. हाँ मेनू के मदनूर के आगे, मदनूर के आगे, मदनूर के आगे मेनूर है. कोई भाई एक नया ट्रेडिशन है, अय्यप्पा स्वामी, अय्यप्पा स्वामी. तो यहाँ पर एक ट्रेडिशन चलता है, यहाँ पर 6 महीने रहना पड़ता है ना. नहीं हम 2 महीने रहते, 2 महीने रहते, 41 डेज भिक्षा रहता है. अच्छा भिक्षा, वही जो भिक्षा एक अलग अलग जगह से भिक्षा लेके 41 डेज 2 महीने रहते हैं. 41 डेज केरला जाते हैं हम. केरला अच्छा, वाह क्या बात है. अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रेडिशन, क्या बात है. पर मैं आ गया था एक अन्ना के साथ बैठा हूँ जनाब. एक नए ट्रेडिशन के बारे में पता लगा है और ये एक अय्यप्पा स्वामी, अय्यप्पा स्वामी कि यहाँ उसके लिए एक प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं और तकरीबन 41 दिन होता है, 41 दिन उपवास, सिर्फ एक टाइम खाना, एक टाइम पानी भी नहीं, पानी टाइमिंग रहता, टाइमिंग रहता उसका भी 12 बजे से 3 बजे तक. बाप रे बाप, बहुत हार्ड है. और घर से दूर, घर से दूर, इसको छीना बीना कुछ भी नहीं रहता. हाँ सुबह उठ के 4 बजे पानी नहाना, ठंडे पानी से नहाना, ठंडे पानी से. जनवरी कितने तक चलेगा, 15 तक चलेगा और 3 टाइम नहाना एक दिन. सितंबर 21 से स्टार्ट, 15 से. सल्यूट है भाई, लोग इतनी आस्था में बिलीव रखते हैं.
और होना भी चाहिए, उन सब का वो बस भगवान का प्यार है। गजब, एक तो ट्रेडिशन ब्लैक, सारा ब्लैक, पूरा सारा ब्लैक, ऑल ब्लैक, और जूते चप्पल भी नहीं, नहीं नहीं चप्पल भी नहीं, मसाला विसाला वगैरह कुछ भी? मसाला भी नहीं, बिल्कुल सादा, बिल्कुल शुद्ध, प्याज भी नहीं, अदरक लहसुन प्याज कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अरे भाई गजब, माइंड ब्लोइंग। हम जला, बच्चे में जलाया जाता है, हाँ छोटा है जल्दी, क्या बात है, तो गरम गरम सबको सबको एक अलग ही ट्रेंड है भाई, मतलब यहाँ पर सबको सबको जलाने देगा, सबको जला हुआ है ये वाली चीज, जला रखा है एक ट्रेडिशन। तो भाई ये किस लिए होता है, ये किस लिए, ये नियम तेलुगु, अपना तेलुगु स्टेट में, हाँ। एक तेलंगाना में नियम रहता हो पुराना, अच्छा। जमाने में का, अच्छा, वही प्रोसेस चल। अभी भी ये करते, अच्छा तो भाई दोपहर के बज गए 2:13 और मैं हूँ अभी हाईवे पे, माहौल बहुत तगड़ा हुआ पड़ा है, बहुत तगड़ा है, बट यार इधर धूप बहुत तेज है, इतनी तेज धूप है कि आप देख रहे हो पसीना आ रखा है अभी, इस गर्मी ठंड के माहौल में भी इतना पसीना आ रहा है, बहुत गंदा यार, जल रहे हैं एकदम पैर। और सांगा रेड्डी 121 किलोमीटर, वाओ। तो जनाब 5:10 हो रहे हैं और मैं अभी पतलापुर में, ये भाई मिला मेरे को, ये भाई है मुक्सर साहिब से, अपने पंजाब बठिंडा के साथ मुक्सर साहिब है, मुक्सर से है, क्या नाम भाई, रवि सिंह राजपूत। भाई साहब 2000 किलोमीटर दूर आके यहाँ पे काम कर, लोग बोलते हैं ना कि लड़के कुछ नहीं करते यार, ऐ में फिरते रहते नल्ले टल्ले, देख लो भाई देख लो क्या बात है, ग्रेट भाई ग्रेट है, ठीक है। और बस भाई से आ रहा था, यहाँ से बात स्टार्ट हो गई और अचानक से भाई आ गया साथ में, इतनी दूर आके गैरेज डाला हुआ है, गजब अच्छा लगा भाई यार, मतलब इतनी दूर से आके यहाँ पे गैरेज, माइंड ब्लोइंग। तो ठीक है यहाँ से निकलते हैं, आज मेरे को जाना अभी भी 20 किलोमीटर भागना भाई साहब। भाई शाम के बज रहे 5:30 और मैं चल रहा हूँ रोड पे, एकदम नेशनल हाईवे है, 6 लेन रोड है, 4 लेन रोड है, मज़ा आ रहा है, छोटी मोटी गाड़ियाँ बहुत कम है, बड़ी गाड़ियों का ज़्यादा, देख क्या सरा था भाई, नज़ारे जा रहे हैं यार। बाकी अब 2-3 चीज़ें बदल गई, अब अन्ना अन्ना अन्ना। बाकी यार जो मैं था ना अय्यप्पा स्वामी, भाई साहब कितना टफ है यार वो लोग, मतलब जो फास्ट रखते हैं, दिन में सिर्फ 1 बार खाना और 3 बार पानी पीना, वो भी टाइमिंग है 4 बजे उठ के नहाना, 3 बार नहाना, बाथरूम करना तो भी नहाना, भाई साहब बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा। और उनके ना बचपन में ही होता है कि यहाँ पर उनके वो बना दिया जाता है, एक निशान दिया, जला दिया जाता है उस चीज़ को, उनका निशान ही होता है, गजब अंधविश्वास। बढ़िया ठीक है यार, अच्छा है वो भी है, मज़ा आ रहा है। 6:30 और शाम के बज के 6:30 और अभी मैं हूँ पितलम में, पितलम आ गया था, यहाँ पर कोई हिंदी नहीं समझ रहा है, बहुत रेयर मैंने एक लड़के से बात करने स्टार्ट करा, कुछ समझ ही नहीं रहा है वो, कुछ भी नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट फिर मैंने कांटेक्ट किया आगे, मैं क्या देखता हूँ कुछ बात बनती है तो। मैं थोड़ा सा और आगे आ गया एक बस स्टैंड पे, मेरे को एक शॉप मिली शाओमी इंडिया, शाओमी की, तो मैंने सोचा यार क्यों ना मेरे फ़ोन का ना जो गार्ड टूट गया है मैं उसको चेंज करवा लेता हूँ, अभी गार्ड चेंज करवा लिया, बाकी बड़ा ज़बरदस्त अब दोबारा सही हो गया, अभी आनी रेडी, फ़ोन आ रहा है, हेलो जी भैया, ना मैं हूँ यहाँ शाओमी एम आई का जो स्टोर है, आई एम हियर, जस्ट अ सेकंड, हिंदी नहीं ना माइक पे,